सूर्यवर्गीय हमारे साथ हैं और उन्होंने अभी अभी मतदान किया है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर वो किस तरह से जो है मध्य प्रदेश के हालात हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो है पश्चिम बंगाल में भी जो है अपने वोट वहाँ पर भी जो है वो रहे, वहाँ के प्रभारी रहे, यहाँ पूरे परिवार के साथ उन्होंने जो है वोट किया। भाई साहब, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ, कैलाश जी अभी वोट डाला है परिवार के साथ, किस तरह से संदेश जा रहा है इंदौर से खासकर? मुझे लगता है कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए लोग मतदान करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में जो है बड़ी संख्या में जो है लोग भाजपा को समर्थन मिलेगा। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जो है सरकार बदली थी, अब इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, विशेषकर किसान, नौजवान और महिलाएं अपने आप को ठगासा महसूस कर रही हैं। किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता नहीं मिला, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की उनका कर्ज माफ नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस की पहचान एक ठगोरी पार्टी की हो गई मध्य प्रदेश में और इसके खिलाफ लोग मतदान करेंगे। और कांग्रेस की पहले 2 सीट थी, अब 2 भी बचेगी क्या, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह। अगली सरकार को लेकर सवाल किया जा रहा है, क्या उम्मीद है, आपका आकलन क्या कहता है? 300 भारतीय जनता पार्टी, 350 से ज्यादा NDA और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरह से देखा आपने, ये थे हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो है लोकतंत्र खत्म हो गया है और देश की राजनीति पर उन्होंने कहा कि हम इस बार जरूर सरकार बनाएंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार बनने वाली है। हालांकि यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि उनका आकलन कितना सही साबित हुआ। सहयोगी दाऊद कुरैशी के साथ इंदौर से समीर खान।